रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच बची कुछ उम्मीदें भी अब नजर नहीं आ रही। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की सेना ने दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 को नष्ट कर दिया है। ये विमान यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक एयरफील्ड में पार्क किया गया था, जहां रूसी सेना ने कथित तौर पर हमला करके इस विमान को नष्ट कर दिया है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि वो दुनिया के सबसे बड़े विमान की मरम्मत करवा लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम मिरिया है, जिसका यूक्रेनी भाषा में मतलब होता है सपना, जिसे यूक्रेनी वैमानिक कंपनी एंटोनोव ने बनाया था। यूक्रेन के इस विमान को दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन यूक्रेन के इस विमान के टूट जाने पर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो ने ट्वीट पर लिखा कि रूस ने भले ही हमारे मिरियो को नष्ट कर दिया हो, लेकिन वो कभी भी मजबूत, आजाद और डेमोक्रेटिक राष्ट्र के हमारे सपने को नहीं तोड़ पाएंगे, हम जरूर जीतेंगे। वही रूस के इस अटैक के बाद यूक्रेन की स्टेट डिफेंस कंपनी ने एक बयान जारी करके बताया कि एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसे रूसी खर्च पर फिर से तैयार किया जाएगा। इसमें करीब $3 अरब का खर्च आएगा। इस काम में 5 साल का समय लगेगा। यही नहीं, अपने बयान में डिफेंस कंपनी ने यह साफ कर दिया कि हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि इसकी मरम्मत में आने वाला सारा खर्च रूसी फेडरेशन उठाए, क्योंकि उसने यूक्रेन के एविएशन सेक्टर और एयर कार्गो सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस विमान की खासियत आखिरकार क्या है। AN-225 विमान की कहानी 1960 और 70 में शुरू हुई। 84 मीटर लंबे और 219 फीट पंखों की चौड़ाई वाले दुनिया के इस सबसे बड़े विमान को 1985 में तैयार किया गया, और इसे बनाने का लक्ष्य सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना था, क्योंकि उस समय कार्गो को ले जाने में सक्षम कोई विमान मौजूद नहीं था। इस विमान का इस्तेमाल कुछ समय के लिए आर्मी के जवानों ने भी किया, जिसके बाद इस विमान का इस्तेमाल कई देशों तक राहत सामग्री भेजने के लिए भी किया गया। ये विमान 250 कार्गो और 640 टन तक भार उठा सकता है। इसने पहली बार उड़ान 1988 में भरी थी। इसकी सफलता देख कंपनी ने दूसरे प्लेन पर भी काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मियो ने 124 वर्ल्ड रिकॉर्ड और रफ्तार, ऊंचाई और वजन के अनुपात में ऊंचाई में 214 नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। खबरों की माने तो AN-225 पर रूस ने इसलिए हमला किया क्योंकि इसे यूक्रेन की ताकत का एक प्रतीक माना जाता था। इस विमान की तबाही के बाद उस जगह की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है जहां यह विमान खड़ा था। वहीं इस विमान को खोने और देश में तबाही मचने के बाद भी यूक्रेन के लोगों का कहना है कि हम हारेंगे नहीं, फिर से ये नया देश बनाएंगे।